कटिहार में देर रात गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के भगवान चौक चोनाडीह का बताया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया गया है कि मनीष कुमार उर्फ कालू को घर के पास ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या का कारण तो साफ नहीं है, लेकिन मृतक मनीष के भाई ने मोहल्ले के ही युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। घर से ही पता हम सुतल थे। अच्छा, हम गए देखने तो बोला है तोरे बेटा का मार दल का हमने नहीं जाने कौन मार दिया। कुछ नाम बता। ना कुछ न बोला, रोड पर गिरल है। क्या नाम है बेटे का आपका? मनीष। तो बता दें कि कटिहार में देर रात गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई है और ये घटना नगर थाना क्षेत्र के भगवान चौक चरनाडीह की है। साथ ही इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मनीष कुमार उर्फ कालू को घर के पास ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई और हत्या के कारण का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन मृतक मनीष के भाई ने मोहल्ले के ही युवक पर इस हत्या का आरोप लगाया है। परिवार वाले का कहना है कि मोहल्ले के ही एक युवक ने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया है और देर रात गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरी घटना को लेकर? देर रात गोली मारकर जिस तरह से युवक की हत्या की गई है, पुलिस किस तरह से इस मामले की जांच कर रही है? देखिए, देर रात की घटना है, नगर थाना क्षेत्र के भगवान चौक के समीप चन्नाडी एक इलाका है, उस इलाके की घटना है। लगभग दो गोली मारी गई है। मौके पे ही जो मनीष कुमार उर्फ कालू है, जिसकी उम्र लगभग 26 या 27 वर्ष बताई जा रही है, उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। घटना की वजह जो आपसी विवाद बताई जा रही है, कहा जा रहा है की घटना के पूर्व शराब पार्टी हुई थी और शराब पीकर ही जो खुशबू है, जो आरोपी खुशबू जिसपे आरोप लगा है उसकी गोली मारी। वो खुशबू और जो मनीष कुमार कालू मिलते हैं, दोनों दोस्त थे और दोनों दोस्तों में कहा सुनी हुई वाद विवाद इतना बढ़िया कि खुशबू ने जो है दो गोली मारी और मौके मौत हो गई। फिलहाल जो परिजन आक्रोशित है, पूरा सड़क जाम करके जो यातायात है वो ठप कर दिया गया है। भगवान चौक के पास। शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी के लिए।